हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने हिस्ट्री का 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर का नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्ट्स। और उस चैप्टर का हमने एक वीडियो बना लिया था, और उस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ आर्ट, इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, ये दो टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, राइट। तो चलिए अभी आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ कि जिसने भी हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, ओके। तो गाइज, अभी आगे के एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा गाइज, ओके। सो गाइज, अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है स्कल्पचरल आर्ट। गाइज, मैं फर्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में ही आपको बता दिया था कि स्कल्पचरल आर्ट क्या होता है। स्कल्पचरल आर्ट मतलब होता है शेपिंग टेक्निक से मॉडल्स बनाए जाते हैं, राइट, कार्विंग किया जाता है, उसको बोला जाता है स्कल्पचरल आर्ट। तो देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया गया है। स्कल्पचर्स आर थ्री डायमेंशनल। स्कल्पचर्स जो है वो थ्री डायमेंशनल्स होते हैं। थ्री डायमेंशनल्स मतलब 3D इफेक्ट, आपने सुना रहेगा, 3D होते हैं, राइट। सच एज इमेज, स्टैचूज, पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट्स विथ आर्टिस्टिक एम्बलिशमेंट्स। आर्टिस्टिक एम्बलिशमेंट्स मतलब क्या होता है? आर्टिस्टिक मतलब क्रिएटिव स्किल, किसी पर्सन के पास क्रिएटिव स्किल रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आर्टिस्ट, ओके। तो आर्टिस्टिक एम्बलिशमेंट, एम्बलिशमेंट्स मतलब क्या होता है, डेकोरेशन, मतलब क्रिएटिव स्किल से डेकोरेशन जो भी किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साथ, उसको स्कल्पचरल आर्ट बोला जा सकता है। आगे देख लेते हैं, फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स आइदर रॉक्स और मेटल और क्ले इज यूज। क्या बताया गया है? स्कल्पचर्स बनाने के लिए रॉक यूज किया जाता है, मेटल यूज किया जाता है या फिर क्ले यूज किया जाता है। रॉक स्कल्पचर्स आर मेड बाय कार्विंग। रॉक के स्कल्पचर जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? कार्विंग मेथड से, मतलब पत्थर को तोड़ तोड़ के उसको शेप दिया जाता है। मेटल स्कल्पचर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड्स। मोल्ड्स मतलब क्या होता है? फ्रेम, जिसको डाइस बोला जाता है, मतलब साचा जिसको बोला जाता है, राइट। मतलब मेटल जो है उसको पिघला के मेल्टिंग पॉइंट पे, फिर एक साचे में वो जो पिघला हुआ मेटल है वो डाल देने का, फिर उसके बाद वो ठंडा होने के बाद उस मेटल, मतलब वो जो फ्रेम था, वो जो साचा था, उसका शेप ले लेता है। आपको पता रहेगा ये चीज़, राइट। तो इससे भी मेटल से स्कल्पचर जो है बनाए जाते हैं। क्ले स्कल्पचर्स आर फॉर्म आइदर डायरेक्टली विथ हैंड्स। क्ले के जो स्कल्पचर्स रहते हैं वो डायरेक्टली किससे बनाए जाते हैं? हैंड से, और बाय यूजिंग मोल्ड्स। इनको भी मोल्ड्स से अपन बना सकते हैं, राइट। आगे देख लेते हैं, द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलासा एट वेरुल इज अ यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर। पूरा एंटायर टेम्पल जो है, कैलासा टेम्पल कहाँ पे है? ये वेरुल में। ये एक यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर है। गाइज, मोनोलिथिक स्कल्पचर मतलब ये होता है कि एक ही पत्थर से पूरा स्कल्पचर बनाया हो। यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट में, आप लोग देख सकते हो, कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। मतलब ये जो टेम्पल, ये पूरा सिंगल रॉक से बनाया गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा जो भी है स्टोन था, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर। गाइज, अशोकन पिलर इसलिए दिया गया है क्योंकि वो एम्परर अशोका के टाइम पे बिल्ड किया गया था, ओके। और आगे देख लेते हैं, जो लायन कैपिटल मतलब जो पिलर था अशोकन पिलर, उसके ऊपर अपर पार्ट में जो लायन कैपिटल था, आप लोग यहाँ पे अशोका स्तंभ देख सकते हो, यही है वो कैपिटल, ओके। फाउंड एट सरनत। सरनत क्या है? एक जगह है, म्यूजियम है उत्तर प्रदेश में। इज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, और वो नेशनल एम्बलम है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अशोका स्तंभ दिया गया पिक्चर में, राइट। तो ये क्या है? इंडिया का नेशनल एम्बलम है, ये चीज आपको पता होगी, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट में क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है? गाइस, स्टार्ट करते हैं। द स्कल्पचरल आर्ट इज ऑल्सो एज एंशियंट एज द आर्ट ऑफ पेंटिंग। क्या बोला गया है? स्कल्पचरल आर्ट जो है वो सेम उतना ही पुराना है जितना आर्ट ऑफ पेंटिंग है, राइट। डेटिंग बैक टू स्टोन एज, मतलब स्टोन एज के टाइम से स्कल्पचरल आर्ट है। कार्विंग टूल्स आउट ऑफ स्टोन कैन सेड टू बी बिगनिंग ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। कार्विंग टूल्स मतलब टूल्स बनाए जाते थे स्टोन से, ये हम लोग बिगनिंग बोल सकते हैं किस चीज़ का? स्कल्पचरल आर्ट का। गाइज, आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा रहेगा किस तरह से स्टोन एज मैन अपने हथियार बनाया करता था शिकार करने के लिए, राइट, पत्थर को शेप दे देके, राइट। तो वो ही एक स्कल्पचरल आर्ट का स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, हम लोग बोल सकते हैं। आगे देख लेते हैं, द कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस फॉर रिचुअल्स हैज बीन प्रीविलेंट इन इंडिया। कस्टम्स ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस, क्ले इमेजेस मतलब मूर्तियां बनाई जाती थी रिचुअल्स के लिए, मतलब रिवाज, रीति रिवाज के लिए, हैज बीन प्रीविलेंट। प्रीविलेंट मतलब क्या होता है? कॉमन, इंडिया में ये चीज कॉमन है सिंस हरप्पन टाइम्स। और ये कब से कॉमन है? हरप्पन टाइम्स से, ओके। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पे। सिंस हरप्पन टाइम, प्रीविलेंट इन इंडिया सिंस हरप्पन टाइम्स। इट हैज कंटिन्यूड टिल टूडे इन मैनी रीजन्स लाइक बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा। ये आज भी कंटिन्यू किया जाता है सम रीजन्स में, ओके। कौन से रीजन्स दिए गए यहाँ पे? बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा। द गणेश आइडल्स मास्क ऑफ गौरी। गणेश आइडल्स मतलब भगवान गणेश की मूर्ति, गौरी माता जो है उनके मास्क जो बनाए जाते हैं। बुल फिगरिंस मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ बैल पोला। बुल फिगरिंस मतलब क्या होता है? बुल के फिगर्स बनाए जाते हैं, मेड विद द हेल्प ऑफ किससे?
मतलब ये इससे हम लोग बना सकते हैं, स्टोन से बना सकते हैं, क्ले से बना सकते हैं। कब बनाया जाता है? फेस्टिवल ऑफ बैलपोला। बैलपोला आपने फेस्टिवल सुना रहेगा, महाराष्ट्र लोग ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं इसको। एग्जैक्ट करके मैं आपको बता दूँ तो फार्मर जो एग्रीकल्चर प्रोसेस करते हैं उनके लिए उनका जो भी पैसा आता है वो किससे आता है? बैल, मतलब जो काउस बफेलो जो रहते हैं उनके ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। तो ये फेस्टिवल किसके लिए रहता है? ये फेस्टिवल काउस बफेलोज के लिए रहता है। बैलपोला, बैल मतलब आपको पता रहेगा बफेलो। आगे देख लेते हैं, वुडन मेमोरियल्स। वुडन मेमोरियल्स भी बनाए जाते हैं। वुडन मेमोरियल्स मतलब वुडन प्लेट के ऊपर आप लोग कार्विंग करके, मतलब उसके अंदर शेप देके हम लोग कुछ नाम लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं। जैसे कि किसी पर्सन का नेम प्लेट, जैसे किसी के पर्सन के घर पे जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे उसके नेम प्लेट के आगे लिखा रहता है, या फिर चर्च में किसी पर्सन की डेथ हो गई रही थी तो वहाँ पे मतलब लेके जाया करते हैं वुडन पे वो जो लिख के, वुडन मेमोरियल्स। गाइस मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक वुडन मेमोरियल है, मतलब यहाँ पे वुड के एक प्लेट के ऊपर देख सकते हो आप किसी पर्सन का नाम लिखा गया है, उसका बर्थ डेट, डेथ डेट लिखा गया है, उसके फैमिली की तरफ से रिगार्ड्स लिखे गए हैं, राइट। इसको वुडन मेमोरियल्स बोल सकते हैं हम लोग। ये भी एंशियंट टाइम से मिलते आ रहा है, समझ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो देखिए गाइस क्या दिया गया यहाँ पे, वीरगल्स मेमोरियल स्टोन्स। वीरगल्स मतलब क्या होता है? स्टोन्स रहते हैं, मेमोरियल स्टोन्स मतलब जूने, बहुत ज़्यादा पुराने स्टोन्स। 5th सेंचुरी से 13th सेंचुरी के बीच में के जो भी स्टोन्स थे उनको मेमोरियल स्टोन्स बोला जाता है। द डेकोरेटेड क्ले स्टोरेज बीन्स। क्ले स्टोरेज बीन्स मतलब ये खास करके पॉटर या फिर जो क्ले से इक्विपमेंट बनाते हैं उनके पास रहता है। डेकोरेटिव बीन्स रहते हैं, बीन्स मतलब क्ले स्टोर करने के लिए बड़े बड़े बॉक्सेस। एक्सेट्रा आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। और ये कुछ एग्जाम्पल्स है किस चीज़ के? फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट के। आपको समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। अभी देखिए क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट क्या होता है देखते हैं। द हरप्पन सील्स स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टैचूज टेल अस अबाउट द 5000 ईयर ओल्ड और इवन ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। क्या बताया गया है? जो हरप्पन सील्स थे वो स्टोन्स और ब्रॉन्ज स्टैचूज जो थे वो कितने पुराने हो सकते हैं? 5000 ईयर पुराने। ये हम लोग को क्या बताते हैं? ओल्डन ट्रेडिशन के बारे में। किस चीज़ के? इंडियन ट्रेडिशन के बारे में ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। ओके, इट इज सेड दैट द, अब बताएगा इस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। सो गाइज ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बताया गया है। इट इज सेड दैट द ट्रेडिशन ऑफ कार्विंग आउट स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ लार्ज साइज बिगेन इन द मौर्या पीरियड विद द अशोकन पिलर। क्या बताया गया है? लार्ज साइज के जो स्कल्पचर्स बनाए जाते थे ये कब स्टार्ट हुआ था? मौर्या पीरियड में स्टार्ट हुआ था और ये अशोकन पिलर से स्टार्ट हुआ था। समझ में आ गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है? द सांची स्तूपा वॉज एरिक्टेड इन एम्परर अशोका टाइम। एरिक्टेड मतलब क्या होता है? एरिक्टेड मतलब होता है बिल्ट, मतलब बनाया गया था। सांची एक जगह है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और स्तूपा मतलब स्तूप रहता है जहाँ पे बुद्धिज लोग, बुद्धिज्म जो है, बुद्धिज लोग जो है वो क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, राइट। तो ये स्तूपा बनाया गया था। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये है संची स्तूपा। ये कहाँ पे? मैंने जैसे बताया आपको ये मध्य प्रदेश में है और ये स्तूप जो है यहाँ पे बुद्धिज लोग जो है क्या करते थे? मेडिटेशंस क्या करते थे। समझ में आ गया आपको? तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते, ध्यान दीजिएगा गाइज। हाउ एवर द ब्यूटीफुल स्कल्पचरल एम्बलिशमेंट्स ऑफ द स्तूपा आर सपोज टू बी लेटर एडिशंस। और उसी के साथ साथ क्या बताया गया है? ब्यूटीफुल स्कल्पचरल एम्बलिशमेंट्स मतलब डेकोरेशन, स्कल्पचरल डेकोरेशन जो है ऑफ द स्तूपा मतलब स्तूपा के ऊपर डेकोरेशन किए जाते थे आर सपोज टू बी लेटर एडिशन, मतलब ये बाद में लेटरली एड किए गए थे, राइट। और पहले के टाइम पे ये नॉर्मल स्तूप ही रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो स्कल्पचरल चीज़ें जो है वो स्तूपाज में एड होने लगी थी। समझ में आ गया आपको? तो आगे देखते हैं, द स्कल्पचर्स एट बरूट आर टेस्टिमोनीज ऑफ द कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल आर्ट इन इंडिया। टेस्टिमोनीज क्या होता है? टेस्टिमोनीज मतलब होता है एविडेंसेस। और क्या बताया? स्कल्पचरल एट बरूट। बरूट एक जगह है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में ही। ओके, और ये बरूट के जो एविडेंसेस है ये क्या है? कंटिन्यूस डेवलपमेंट बताते हैं किस चीज़ में? स्कल्पचरल आर्ट ऑफ इंडिया में। ओके, आगे देख लेते हैं, बुद्धिज्म वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड। ये आपको पता रहेगा कि बुद्धिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा फैला गया था, स्प्रेड हुआ था किस तरह से? वाइडली एकदम, बहुत अलग अलग जगहों पे, इन मैनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, और ये इंडिया के बाहर भी फैला था। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूपास बिगैन इन दोज कंट्रीज एज वेल। और फिर बाद में जो ट्रेडिशन था किस चीज़ का? इरेक्टिंग मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? बिल्डिंग स्तूपास मतलब स्तूपास बनाने का जो काम है वो अदर कंट्रीज में भी स्टार्ट हो गया था, जैसे जैसे क्या हुआ था? बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड हुआ था उसी हिसाब से। द स्तूपा एट द
बोरोबुदर। बोरोबुदर क्या है, एक जगह है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। समझ में आ गया आपको, इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। और ये स्तूपा जो है ये कैसा है, लार्जेस्ट स्तूपा है, और ये लार्जेस्ट स्तूपा जो है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 8th-9th century CE कॉमन ईरा में, मतलब 8th-9th century के कॉमन ईरा में ये बनाया गया था। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिंस साइट इन 1991, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया था, मतलब लोग जो है अदर अदर कंट्रीज से यहाँ पे विजिट करने देखने आते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मतलब ये हमारे, हमको हमारे पूर्वजों से मिला है। और ये कहाँ, कब ये डिस्कवर्ड हुआ था, डिक्लेयर किया गया था 1991 में। समझ में आ गया आपको, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे पिक्चर दिया गया है बोरोबुदर का। समझ में आ गया आपको, ये बोरोबुदर स्तूपा जो है कहाँ पे, ये इंडोनेशिया में। तो चलिए आगे एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंडियन आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी मतलब क्या, सबसे पहले मैं आपका इसको मीनिंग बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है आइडेंटिफिकेशन करना, किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन करना, किस चीज़ का आर्ट का, मतलब इंडिया के अंदर। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई भी ज़मीन में अगर सपोज खुदाई हो रही है, मतलब इन्वेंशन किया, मतलब कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट मिलता है ज़मीन में, तो वो जो एक्सपर्ट्स रहते हैं हिस्ट्री के, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कितना पुराना है, राइट। तो वो जो एक्सपर्ट जो स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है आइकोनोग्राफी। समझ में आ गया आपको, तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इन टू बींग इन द 2nd century of BCE बिफोर कॉमन इरा, मतलब ये कॉमन इरा के भी पहले से 2nd century में ये जो स्कूल था, स्कूल का नाम क्या है, गंधारा स्कूल जो है आर्ट का, ये सेटअप हुआ था इन अफगानिस्तान। कहाँ पे हुआ था, अफगानिस्तान में एंड नेबरिंग रीजन्स, और अफगानिस्तान के नेबरिंग रीजन्स में भी। इट हैज़ बिकम एंड इट हैज़ ग्रीक एंड पर्जियन इन्फ्लुएंस। ग्रीक एंड पर्जियन इन्फ्लुएंस मतलब ग्रीक लोग और जो पर्जियन लोग थे, इन लोग का इन्फ्लुएंस हुआ था, इनका इम्पैक्ट पड़ा था, किस पे, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट पे, वो लोग वो चीज़ जो है वो फॉलो करते थे। ओके, तो आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। द फर्स्ट 3rd century CE दैट इज द कुशाना पीरियड, फर्स्ट 3rd century जो था वो कौन सा टाइम था, कुशाना पीरियड था, सॉ द राइज ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। और ये कुशाना पीरियड में ही क्या हुआ था, उस समय राइजअप हुआ था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, मतलब मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का डेवलपमेंट हुआ था। द मथुरा स्कूल लेड स्टार्टेड, मतलब क्या होता है, स्टार्टेड लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी, और मथुरा स्कूल जो था इन्होंने ही लेड डाउन किया, मतलब स्टार्ट किया फाउंडेशन ऑफ इंडियन आइकोनोग्राफी। आइकोनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, आइकोनोग्राफी मतलब क्या होता है, ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट, अब चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं, पेज नंबर 26, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट मेकिंग ऑफ इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। क्या बताया गया, आइकोनोग्राफी में भी क्या होता है, इंक्लूडेशन होता है, किस चीज़ का, मेकिंग ऑफ इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, मतलब भगवान की मूर्तियाँ जो बनाई जाती है, राइट, उनके ऊपर, ये भी किस में आता है, आइकोनोग्राफी में आता है। समझ में आ गया आपको, तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो आगे ध्यान दीजिएगा, द कुशाना किंग्स मेड यूज ऑफ इमेजेस ऑफ वेरियस डाइट्स, डाइट्स मतलब क्या होता है, गॉडेसेस और गॉड, मतलब वो लोग यूज किया करते थे इमेजेस किसका, भगवान का, ऑन देयर कॉइन्स, किसके ऊपर, अपने कॉइन्स के ऊपर। यहाँ पे नटराजा का पिक्चर जो है, नटराज भगवान का, आप लोग देख सकते हो दिया गया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गुप्ता एम्पायर द आइकोनोग्राफिक रूल वेर फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड मतलब क्या हुआ था, डेवलप, चेंज हुआ था, आइकोनोग्राफी के जो रूल्स थे गुप्ता पीरियड के टाइम पे वो क्या हो गए थे, चेंज हो गए थे, एंड स्टैंडर्ड्स फॉर स्कल्चरल आर्ट्स वेर सेट, और स्टैंडर्ड्स बढ़ गए थे, मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ उसी तरह से स्टैंडर्ड्स भी डेवलप होता है आइकोनोग्राफी का। समझ में आया आपको, द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस वेर डेवलप अंडर द पैट्रोनेज ऑफ चोला किंग्स ड्यूरिंग द 9th-13th century, ओके? मतलब क्या बताया गया है, आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज इमेजेस, ब्रॉन्ज इमेजेस मतलब कॉपर कलर्ड के जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाए जाते थे, वेर डेवलप, वो भी डेवलप हुआ था अंडर द पैट्रोनेज, पैट्रोनेज मतलब क्या होता है, फंडिंग, मतलब गुप्तास जो थे उन्होंने, सॉरी चोलास किंग जो थे, यहाँ पे चोलास किंग के बारे में बताया गया है, तो जो चोला किंग्स जो थे उन्होंने फंडिंग दिया था, मतलब उन्होंने फंडिंग फाइनेंशियली हेल्प की थी, ओके, ऑफ चोलास किंग्स ड्यूरिंग 9th-13th century, और ये कब हुआ था, 9th और 13th century में, ओके, समझ में आ गया होगा आपको। पैट्रोनेज मतलब मैंने आपको बताया फंडिंग करना, फाइनेंशियली हेल्प करना। ब्रोंज आइडल्स ऑफ गॉड्स, क्या बताया गया है, ब्रोंज के जो आइडल्स बनाए जाते थे, मूर्तियां बनी जाती थी गॉड की एंड गॉडेसेस, लाइक शिवा पार्वती, आपको पता रहेगा शंकर भगवान और पार्वती माता की बात हो रही है, नटराज, लक्ष्मी, विष्णु एक्सेट्रा, ये सब भगवान के नाम है गाइज, वेर मेड इन दिस पीरियड, और ये सब ये पीरियड में ये सब मूर्तियां, ये सब भगवान की मूर्तियां जो है बनाई जाती थी। समझ में आ गया आपको, तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बताया गया है, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। There are a number of rock cut caves in India. India में number of rock cut caves है, मतलब बहुत सारे है। The tradition of rock cut caves originated in India in the 3rd century. क्या बताया गया है, ये जो rock cut
केव्स का जो ट्रेडिशन था ये कब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में, इन द 3rd century BCE, बिफोर कॉमन एरा, 3rd century में हुआ था, मतलब ये बिफोर कॉमन एरा में हुआ था। टेक्निकली द एंटायर कॉम्पोजिशन ऑफ अ रॉक कट केव रिप्रेजेंट अ यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट। क्या बताया जाता है, टेक्निकली अगर हम लोग ध्यान दें तो जो भी कॉम्पोजिशन है, मतलब जो भी बनावट है रॉक कट केव्स की, रिप्रेजेंट, ये किसका रिप्रेजेंटेशन देता है, यूनियन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचरल आर्ट, मतलब आर्किटेक्चर और स्कल्पचरल आर्ट जब एक साथ आते हैं तब क्या बनता है, रॉक कट केव्स बनता है। ओके, इट एंट्रेंसेज इंटीरियर विद इट्स कर्व्ड कॉलम्स। क्या बताया गया है, कोई भी स्कल्पचरल आर्ट होगा तो उसका एंट्रेंस, ओके, फिर उसी के साथ साथ क्या बताया गया है, उसका इंटीरियर विद इट्स कर्व्ड कॉलम्स। कर्व्ड कॉलम्स मतलब आपको पता रहेगा हाफ सर्कल कॉलम्स में, एंड इमेजेस आर एक्सीलेंट स्पेसिमेंस ऑफ स्कल्पचरल आर्ट्स, और ये सब एक्सीलेंट स्पेसिमेंस है। स्पेसिमेंस मतलब क्या होगा, यहाँ पे बताया गया है सैंपल्स, एग्जाम्पल्स, एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स है किस चीज के, स्कल्पचरल आर्ट के। द पेंटिंग ऑन द वॉल्स एंड सीलिंग हैव सर्वाइव्ड इन सम ऑफ द केव्स टिल टुडे, और जो पेंटिंग उस समय बनाई गई थी वो आज भी है, सीलिंग्स में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी मतलब केव्स में, वो आज भी है। द रॉक कट केव्स एट अजंता एंड वेरूल इन महाराष्ट्र वेर डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज इन 1983। और जो रॉक कट केव्स थे, जो अजंता एलोरा आपको पता रहेगा, आपने सुना रहेगा, साथ ही साथ वेरूल में जो थे वो सब जो है वर्ल्ड हेरिटेज माने गए थे 1983 को। ओके, तो यहाँ पे आप लोग गाइस पिक्चर देख सकते हो अजंता केव्स की, ये नंबर 19, मतलब वो जो केव्स रहता है केव्स में एंट्रेंसेज रहते हैं, तो ये 19th एंट्रेंस है। समझ में आ गया आपको गाइस, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगेन टू डेवलप अराउंड 4th century CE। जो टेम्पल आर्किटेक्चर होगा, जैसे कि आप लोग ने विजिट किए रहेंगे बहुत सारे टेम्पल्स, तो टेम्पल्स भी बहुत अच्छे से आर्किटेक्चरली बनाए जाते हैं, राइट। तो वो भी डेवलप कब हुआ था, 4th century कॉमन एरा में, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, और ये कब हुआ था, गुप्ता पीरियड में। द टेम्पल्स बिल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड हैड ओनली द, क्या बताया गया है, अब ये ध्यान से सुनिएगा गाइस, कुछ तो बताया गया यहाँ पे। अच्छा, द टेम्पल्स बिल्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड हैड ओनली द सैंटम सेंटोरम, मतलब क्या होता है, पवित्र जगह, मतलब ऐसी जगह टेम्पल्स बनाए जाते थे जो क्या होती है, पवित्र जगह होती है। गाइस आपको पता है टेम्पल जो है वो बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, राइट, जिसको यहाँ पे एक और ब्रैकेट में नाम दिया गया है गर्भागृह। गर्भागृह मतलब पवित्र जगह, ओके, गृह मतलब घर होता है। एंड अ वेरांदा विथ 4 columns, वेरांदा मतलब क्या होता है, वेरांदा मतलब हाउसेस के आगे या फिर किसी चीज के आगे रूफ रहता है, पता होगा आपको, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, घर के आगे की छप्पर, राइट, तो उसको वेरांदा यहाँ पे बोला गया है विथ 4 columns। और वेरांदा कैसे बनाया जाता है, 4 columns की मदद से, मतलब 4 type के पिलर्स, कॉलम्स की मदद से वो वेरांदा बनाया जाता है। समझ में आ गया आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया हैड रीच इट्स पीक बाय द 8th century CE। क्या बताया गया है, टेम्पल आर्किटेक्चर जो इंडिया का था वो अपनी पूरी सीमा पे पहुंच गया था 8th century CE में, मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। दिस इज इजिली टेस्टिफाइड बाय द मैग्निफिशियंट कॉम्पोजिशन ऑफ द कैलासा टेम्पल, और ये हम लोग को क्लियरली समझ में आ सकता है कि ये कैलासा टेम्पल में हम लोग आराम से अच्छे से देख सकते हैं। मैग्निफिशियंट मतलब अट्रैक्टिव, कॉम्पोजिशंस मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर्स, ओके, कैलासा टेम्पल में हम लोग को अच्छे से समझ में आ सकता है। ऑफ वेरूल, कैलासा टेम्पल मैंने आपको एक्सप्लेन करते बताया था कहाँ पे है, ये वेरूल में। बाय द मेडिवल पीरियड वेरियस टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर हैड डेवलप इन इंडिया, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे मेडिवल पीरियड आया तो अलग अलग टाइप के जो है स्टाइल्स बने गए थे टेम्पल्स में, ओके, अलग अलग आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप हुआ था। समझ में आ गया आपको गाइज, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कैलासा टेम्पल का, ध्यान दीजिएगा। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये है कैलासा टेम्पल, और ये कहाँ पे है, वेरूल में। और जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था कि ये पूरा एक बड़े स्टोन से क्या किया गया है, स्कल्पचराइज किया गया है। समझ में आ गया आपको, और ये एक एग्जाम्पल है किस तरह से हमारे इंडियन स्कल्पचर्स में जो है डेवलपमेंट हुई थी। समझ में आ गया आपको, तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते गाइज। सो गाइज क्या बताया गया है देख लेते हैं। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर आइडेंटिफाई बाय द स्टाइल ऑफ द टावर। क्या बताया गया है, टेम्पल का आर्किटेक्चर जो है वो स्टाइल जो है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, स्टाइल देखा जाता है किस चीज़ का, टावर का, जिसको बोल सकते हैं हम लोग शिखराज, ओके। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे देखो अपर पार्ट दिया गया है टेम्पल्स का, राइट, तो उससे हम लोग क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा टाइप है, कौन सा स्टाइल है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है। द नगारा स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द द्रविदी स्टाइल ऑफ साउथ इंडिया आर द 2 principal स्टाइल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। 2 styles के बारे में दिया गया है, नगारा स्टाइल जिसका हमने अभी पिक्चर देखा था,
ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये कहाँ का स्टाइल है, नॉर्थ इंडिया का, एंड द्रविड़ी स्टाइल जो है साउथ इंडिया का, ये दो प्रिंसिपल्स है इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के। तो देख लेते हैं आगे, अ ब्लेंड ऑफ दीज टू स्टाइल्स इज नोन एज विसारा स्टाइल, और इन दोनों का ब्लेंड, ब्लेंड मतलब क्या होता है गाइज, मिक्सचर, इन दोनों को मिक्स करके एक स्टाइल बनाया जाता है, उस स्टाइल का नाम क्या है, विसारा स्टाइल। और ये जो है कहाँ का है, ये स्टाइल भी एक नया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको अभी एक्सप्लेनेशन करते हुए बताया कि ये साउथ और नॉर्थ इंडिया के स्टाइल्स है, ओके, और इनको मिक्स करके एक स्टाइल बनता है, वो स्टाइल का नाम है विसारा स्टाइल। द भूमिजा स्टाइल सीन इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैज अ क्लियर रिजेम्बलेंस टू द नगारा स्टाइल फ्रॉम द स्कल्पचरल व्यू पॉइंट। क्या बताया गया है, जो भूमिजा स्टाइल है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का, ये क्लोज रिजेम्बलेंस है, रिजेम्बलेंस मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे कि उसकी तरह ही दिखता है, टू द नगारा स्टाइल मतलब किसके जैसा दिखता है, ये नगारा स्टाइल जैसा। और क्या बताया गया है, फ्रॉम द स्कल्पचरल पॉइंट ऑफ व्यू, और ये व्यू पॉइंट्स है मतलब स्कल्पचरल व्यू पॉइंट्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये किसका कॉपी है, नगारा स्टाइल का। तो देख लेते हैं आगे क्या बताया गया है, द भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर, भूमिजा स्टाइल सीरीज ऑफ मिनिएचर, मिनिएचर मतलब क्या होता है, स्मॉल टावर्स, ओके, मिनिएचर टावर्स आर अरेंज, भूमिजा स्टाइल में जो है स्मॉल स्मॉल टावर जो है अरेंज किए जाते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा गाइस, विच बिकम स्मॉलर टूवर्ड्स द टॉप, और क्या बताया गया, वो टॉप की तरफ मतलब नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो स्मॉलर बन जाता है, ओके, जैसे कि हम लोग ने अभी नगारा स्टाइल देखा था। हैंस द टावर अपियर्स टू बी कंटिन्यूअसली राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द टेम्पल टू द टॉप, और जो टेम्पल है वो इस तरह से दिखता है कि वो कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है, मतलब ऊपर बढ़ते जा रहा है, कहाँ से, बेस से लेकर टॉप तक। गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है द्रविड़ी स्टाइल, द्रविड़ी स्टाइल का पिक्चर आप लोग ने देख लिया होगा, ये किस तरह से टेम्पल दिखते हैं, ओके, तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइज नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 27। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये है एक एग्जांपल है किस चीज़ का, भूमिजा स्टाइल ऑफ टेंपल्स का, देख लिया आपने किस तरह से पिलर्स में जो है बनाया जाता है, टावर्स में बनाया जाता है और ऊपर जाते जाते स्मॉलर होते रहता है, देख लिया आपने। और यहाँ पे ही अभी नेक्स्ट पिक्चर दिखा देता हूँ आपको गाइज, ये देखिए ये पिक्चर किसका है, ये भी भूमिजा स्टाइल का ही है, और ये किस तरह से पिलर में से होते हुए ऊपर की तरफ कैसा हो गया, स्मॉलर हो गया है, देख लिया आपने। तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं गाइज, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो टेम्पल्स इन महाराष्ट्र बिल्ड इन 12th और 13th सेंचुरी, टेम्पल्स बनाए गए थे 12th और 13th सेंचुरी में, जो भी बनाए गए टेम्पल्स थे आर नोन एज हिमादपंथी टेम्पल्स, और उनको क्या बोला जाता है, हिमादपंथी टेम्पल्स। द आउटर वॉल्स ऑफ हिमादपंथी टेम्पल्स आर बिल्ट इन अ स्टार शेप, और क्या बताया गया है, जो भी आउटर वॉल्स रहते हैं हिमादपंथी टेम्पल्स के वो कैसे रहते हैं, स्टार शेप के। इन द स्टार शेप्ड प्लान द आउटर वॉल ऑफ द टेम्पल हैज अ zigzag डिजाइन, और यही स्टार शेप के जो प्लान्स रहते हैं इनमें जो आउटर वॉल्स रहता है वो टेम्पल का वो कैसा डिजाइन रहता है, zigzag डिजाइन। दिस रिजल्ट इन टू एन इंटरेस्टिंग इफेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट एंड शेडो, और इसी वजह से zigzag स्टाइल की वजह से क्या होता है, दो चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, किसका, लाइट और शेडो, zigzag फॉर्म में है ना, स्टार फॉर्म में, तो इसीलिए जब भी जब लाइट आता है तो उसका शेडो क्रिएट होता है और दो चीज़ का इंपैक्ट पड़ता है, लाइट और शेडो का, समझ में आ गया आपको। देख लेते हैं आगे, द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमादपंथी टेम्पल इज इट्स मेसनरी, मेसनरी मतलब क्या होता है, स्टोन वर्क, मतलब हिमादपंथी का जो खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग कैसे मान सकते हैं कि ये एक हिमादपंथी टेम्पल है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये किससे मालूम पड़ता है, मेसनरी से पता चलता है, मेसनरी मतलब होता है स्टोन वर्क, समझ में आ गया आपको। तो चलिए देख लेते हैं आगे, द वॉल्स आर बिल्ट विदाउट यूजिंग एनी मॉर्टर, क्या बताया गया है, वॉल्स जो है वो किसी भी मतलब मॉर्टर का यूज ही नहीं होता है वॉल्स बनाने के लिए, मॉर्टर मतलब मैं आपको बता देता हूँ गाइस क्या होता है, सीमेंट और मतलब जैसे कि स्टोन्स का वाटर का मिक्सचर, जैसे कि आपको पता है रूम्स बनते हैं घर बनते हैं तो उस समय जब वॉल बनती है तो वॉल मॉर्टर की मदद से बनती है, मॉर्टर मतलब क्या होता है, सीमेंट और जो मिक्सचर रहता है जो ईंटें लगाने में मिक्सचर हेल्प करता है पकड़ने में, राइट, लेकिन हिमादपंथी टेम्पल में ये चीज़ का यूज़ ज़रा भी नहीं होता है, और वो कैसे बनता है, बाय लॉकिंग द स्टोन्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ टेनन एंड मॉर्टाइज जॉइंट्स, ये किससे बनता है, एक टेक्निक यूज की जाती है, कौन सी टेक्निक का नाम है, टेक्निक ऑफ टेनन एंड मॉर्टाइज जॉइंट, टेनन और मॉर्टाइज जॉइंट्स का एग्जांपल देता हूँ गाइस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो गाइस आप लोग देख सकते हो ये है टेक्निक ऑफ टेनन एंड मॉर्टाइज जॉइंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये खास करके किस में, आजकल के टाइम पे ये यूज़ किया जाता है फर्नीचर वर्क में, देख लिया आपने किस तरह से एक बड़ा सा वुडन रॉड रहता है उसके अंदर छोटा सा एक पीस ऑफ होल करके उसको बोला जाता है मॉर्टाइज, और नेक्स्ट वुडन ब्लॉक में उसी तरह का शेप बना के वो टेनन उसमें डाल के मजबूती की जाती है, राइट, तो इसी तरह से हिमादपंथी टेम्पल्स बनाए जाते हैं, समझ में आ गया आपको, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। गाइज नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते ध्यान दीजिएगा, गाइज क्या बताया गया देख लेते हैं, द अम्बरेश्वर टेम्पल एट अंबरनाथ नियर मुंबई,
अंबरनाथ जगह है मुंबई के बाजू में, और वहीं पे अमरेश्वर टेम्पल, अमरेश्वर टेम्पल मतलब भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पे, और उसी के साथ साथ गोंडेश्वर टेम्पल एट सिन्नर नियर नासिक, नासिक में एक जगह है सिन्नर, और वहीं पे गोंडेश्वर टेम्पल भी है। उसी के साथ साथ क्या बताया गया है, औंध नागनाथ टेम्पल है ये भी, इन द हिंगोली डिस्ट्रिक्ट आर अ फ्यू फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हिमादपंथी स्टाइल। और ये एग्जाम्पल्स है, कौन से थे हमने पढ़े, अंबरनाथ टेम्पल, गोंडेश्वर टेम्पल और औंध नागनाथ टेम्पल, ये जो है ये क्या है, एग्जाम्पल है किस चीज़ के, हिमादपंथी स्टाइल के। देयर प्लान इज स्टार शेप, और इनका प्लान कैसा रहता है, स्ट्रक्चर कैसा रहता है, स्टार शेप का। द हिमादपंथी टेम्पल्स आर फाउंड एट सेवरल प्लेसेज इन महाराष्ट्र, और हिमादपंथी टेम्पल जो है बहुत सारी जगहों पे महाराष्ट्र में देखे जा सकते हैं। ओके तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गोंडेश्वर टेम्पल जो सिन्नर में है उसका इमेज दिया गया है, देख लिया आपने। तो चलिए नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते गाइज। इन द मेडिवल पीरियड अंडर द पैथ्रोन एज ऑफ मुस्लिम सुल्तानेट्स मैनी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर सच एज पर्जियन, सेंट्रल एशिया, अरेबिक एंड प्री इस्लामिक नेटिव इंडियन स्टाइल्स वेर ब्लेंडेड टूगेदर क्रिएटिंग द इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्या बताया गया, मेडिवल टाइम से, मेडिवल पीरियड में ही अंडर द पैथ्रोनेज, पैथ्रोनेज मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया था फंडिंग, किसका फंडिंग का हेल्प हुआ था, किसने किया था हेल्प, मुस्लिम सुल्तानेट्स जो थे उन्होंने हेल्प किया था। मैनी स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल का जो है मिक्सचर बनाया गया था, कौन से स्टाइल्स थे, पर्जियन स्टाइल थे, सेंट्रल एशियन, अरेबिक, प्री इस्लामिक, नेटिव इंडियन स्टाइल, ये सब जो है ब्लेंड किए गए थे। ब्लेंड मतलब मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, मिक्स किए गए थे टुगेदर क्रिएटिंग द इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। और क्यों किए गए थे, ताकि इंडिया का इस्लामिक आर्किटेक्चर बनाया जा सके। मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वर क्रिएटेड, बहुत सारे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाए गए थे। द कुतुब मीनार एट मेहरूल, मेहरूल जो है ये जगह कहाँ पे है, दिल्ली में, और यहाँ पे कुतुब मीनार आपने नाम सुना रहेगा गाइज, राइट। आगे देख लेते हैं, ताजमहल एट आगरा, और ताजमहल जो है वो कहाँ पे, आगरा में, ये भी एक एग्जाम्पल है। गोल गुम्बाज एट, क्या बताया गया है गाइज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पिक्चर में, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोल गुम्बाज एट बीजापुर इन कर्नाटका, ये गोल गुम्बा जो है कहाँ पे, बीजापुर कर्नाटका में, ये भी एक एग्जाम्पल है। आर द फेमस वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो गाइज हमने क्या क्या पढ़ा, कुतुब मीनार ये आपको पता रहेगा, राइट, यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया मैं बता देता हूँ, साथ ही साथ ताजमहल भी आपने देखा रहेगा, राइट। लेकिन गोल गुम्बाज का मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ गाइज, ध्यान दीजिएगा। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये गोल गुम्बाज का पिक्चर है, राइट, और ये कहाँ पे, कर्नाटका में, अभी हमने पढ़ा था बीजापुर में, राइट। तो ये जो है ये इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया के कुछ एग्जांपल्स है, समझ में आ गया आपको। तो गाइज नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते, ध्यान दीजिएगा क्या बताया गया है, देख लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ था, स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेंज ऑफ कुतुबुद्दीन अबैक, अबैक कुतुबुद्दीन जो है इन्होंने ही स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का क्या, कंस्ट्रक्शन। ओके और ये रेंज हुआ था मतलब रूलिंग, जब कुतुब, मैं आपको बता देता हूँ ध्यान दीजिए, कुतुबुद्दीन अबैक जो थे इनका जब रूल चल रहा था इंडिया में, तभी ये कुतुब मीनार जो है बनाया गया था। इन 12th century CE, कब हुआ था, 12th century CE में, वॉज कंप्लीटेड इन द रेंज ऑफ अल्तमश, और ये जब स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था, देख सकते हो आप लोग कितना टाइम लगा था, 13th century में, जब राज किसका था, अल्तमश का। ओके आगे देख लेते हैं, कुतुब मीनार इज द हाईएस्ट मिनिएचर इन द वर्ल्ड, कुतुब मीनार जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट मिनिएचर है, सबसे बड़ा, इट इज 73 meters 240 feet, 73 मीटर्स का है और 240 फीट इन हाइट। द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग has been declared as a world heritage, और ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग का है ये वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है, मतलब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है विजिट करते हैं इसे देखने के लिए। तो गाइज मैंने आपको कुतुब मीनार का पिक्चर दिखा दिया है, आपने आगे भी पहले कभी देखा होगा, राइट। तो देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है यहाँ पे, द मुगल एम्परर शाहजहान बिल्ट ताजमहल, ये बात सबको पता होगी, इन द मेमोरी ऑफ हिज क्वीन मुमताज महल, राइट। और ये क्यों बनाया था उन्होंने, अपनी क्वीन के मेमोरी के लिए, मुमताज महल नाम भी दिया था इसको। द ताजमहल इज लुक्ड अपॉन एज द पैरामाउंट एग्जाम्पल, ताजमहल जो है वो पैरामाउंट एग्जाम्पल माना जाता है। पैरामाउंट मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सुप्रीम एग्जाम्पल, राइट, बहुत ही खूबसूरती, जैसे कि आप लोग पता है हमारे इंडिया की ये क्या है, खूबसूरती है, आपको समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 28। सो गाइस क्या बताया गया यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ब्यूटी ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो ये जो ताजमहल है ये इंडियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का क्या है, ब्यूटी है। द वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज बाय, अभी देखिए ये वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है और ये डिक्लेयर कर दिया है वर्ल्ड हेरिटेज बाय, किसने किया ये डिक्लेयर, UNESCO, UNESCO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, समझ में आया आपने आपको, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसने वर्ल्ड हेरिटेज इसको डिक्लेयर कर दिया है। ओके तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है, द गुल
गुल गुम्बाज एट बीजापुर इन कर्नाटका वॉज बिल्ट इन द 17th सेंचुरी। जो मैंने आपको गुल गुम्बाज का पिक्चर दिखाया था ये 17th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था कॉमन एरा में। ओके, दिस ग्रैंड बिल्डिंग हाउसेज द ब्यूरियल ऑफ मोहम्मद अदिल शेख ऑफ बीजापुर। क्या बताया गया है, ये ग्रैंड बिल्डिंग जो है ये ब्यूरियल है। ब्यूरियल मतलब यहाँ पे जो पर्सन थे, पर्सन का नाम क्या है, मोहम्मद अली शेख, ये राजा थे ऑफ बीजापुर, ये राजा को यहाँ पे बरी किया गया था। ओके, इनसाइड द डोम, इनसाइड द डोम, डोम मतलब क्या होता है, सर्कुलर शेप का क्या रहता है, अपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग गुम्बाज को देख सकते हो, अपर स्ट्रक्चर कैसा है, सर्कुलर है। ओके, डोम आफ्टर विच, क्या बताया गया है, आफ्टर विच द बिल्डिंग इज नेम्ड, और ये जो बिल्डिंग है उन्हीं के ऊपर नेम्ड है। देयर इज अ राउंड गैलरी, राउंड गैलरी भी है। इवन अ स्लाइट विस्पर बाय अ पर्सन स्टैंडिंग इन द गैलरी कैन बी हर्ड एवरीवेयर एंड इट समबडी क्लैप्स फ्रॉम हियर इट्स एको कैन बी हर्ड मेनी टाइम्स। क्या बताया गया है, अगर कोई पर्सन वहाँ के गैलरी में खड़े रह के अगर सपोज कोई बात करता है या फिर स्लाइटली विस्पर भी करता है, ओके, तो ये जो आवाज़ है पूरे कहाँ पे, ये गुल गुम्बज में सुनाई देती है। और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन जो है गैलरी में आके क्लैप करता है, ओके, तो मतलब सेंटर में आके क्लैप करता है, तो उसका एको जो है गुल गुम्बज में हर जगह टाइम पे सुनाई देता है, बहुत बार सुनाई देता है। समझ में आ गया आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड अ न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल अरोज इन इंडिया। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ था, नया आर्किटेक्चर स्टाइल जो है वो स्टार्टअप हुआ था इंडिया में। इट इज नोन एज इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल, और उसको क्या बोलते हैं, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल। मैं गाइज आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, बिल्डिंग्स लाइक चर्चेज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफिसेज, रेसिडेंस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, रेलवे स्टेशन वेयर बिल्ट इन दिस स्टाइल्स। क्या बताया गया है, बहुत सारी जगह जो है इस स्टाइल में बनाई जाती है, जैसे चर्च हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गया, रेसिडेंस ऑफ टॉप ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स मतलब जो बड़े लोग रहते हैं, ओके, उनका भी जो घर है वो इसी स्टाइल में बनाया जा सकता है। रेलवे स्टेशन आर वेयर बिल्ट इन दिस स्टाइल, और रेलवे स्टेशन भी बनाए जाते हैं इसी स्टाइल में ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, और ये कब बनाए जाते गए थे, ब्रिटिश टाइम पे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, आपने देखा रहेगा, और ये एक एग्जाम्पल किसका है, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का। समझ में आ गया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताया गया यहाँ पे, द बिल्डिंग ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस, जो मैंने आपको समझा दिया था अभी, मुंबई इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर एंड इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मुंबई जो है ये फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किसका, इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर स्टाइल का, और ये वर्ल्ड हेरिटेज माना गया है। समझ में आ गया आपको। सो गाइज आज के एक्सप्लेनेशन के लिए इतना ही काफी हुआ, अगर गाइज आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग गई हो, आपको पूरा समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।